मिट्टी क्यों खोद रहे हैं हम? तो हमें मिला था एक छिपकली का अंडा ना, अभी मैं उठाऊं तो कुछ दुकानदार मेरे पास आए हैं। सांप की छल्ली और सांप इसको खाने आते हैं। अभी दोबारा से रेस हो रही है, पहले सिंगल टाइम वाली थी एक। तो दोस्तों आज संडे का दिन ना, और आज जो है पूरे दिन का कट लगा हुआ है, मतलब सुबह के अभी 10 के बज रहे हैं और मतलब आज पूरे दिन की बिजली की कट है। मतलब पिछले दिन नोटिफिकेशन आ चुकी थी कि आज जो है पूरा दिन लाइट नहीं आएगी, तो सुबह सुबह क्या काम चल रहे हैं वो देखो थोड़ी देर। मतलब कल सारे कपड़े वगैरह धोए थे ना, तो सुबह सुबह राधा ने मतलब जो इम्पोर्टेंट थे ना वो प्रेस कर लिए, और अभी माँ बेटे का काम चला हुआ दोनों का। चलो चलो काम करो अब। तो शिवाय जो है मतलब गिद्दी है जो इनको लेके आ रहा है, और राधा जो कबर मतलब इनको चढ़ा रही है। हेलो गाइस। हेलो गाइस। क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूं। जल्दी करो। तो वो चढ़ गया, देख कबर चढ़ गया मम्मा के पास। अगला काम खत्म हो गया। अच्छा ये सारे ये लग गए। अच्छा पिल्लो रखने का काम था तेरा, अब मम्मा का काम है। जल्दी जाओ पानी लेके आओ मेरे लिए, पानी की बोतल ले आओ। बहुत काम करता है भाई शिवाय। नहीं अभी ये मिट्टी तोड़नी है। और मिट्टी क्यों खोद रहे हैं हम? पौधे लगाएंगे। हाँ। आज ब्लॉग में आपको बताया था दोस्तों, हमें मिला था एक छिपकली का अंडा ना, तो देखो यहाँ पे मैंने वो सेफली रख लिया था चींटियों से, तो अभी अंडा है लेकिन यहाँ पे आसपास कोई भी मतलब बच्चा वगैरह नहीं दिख रहा है, तो आई होप कि वो निकल के यहाँ से भाग गया होगा। और अभी जो राधा प्लांट लगा रही थी ना, वो ये वाले देखो खाली डब्बे पड़े थे हमारे पास ना, तो इनमें जो है ये वाले फूल लगा दिए हैं। एक टॉर्च थी दोस्तों, बड़ी बड़ी है ना, 4-5 साल पुरानी है, लेकिन शिवाय देखो क्या हालत कर दी। टेप लगा के ना इसको जोड़ने की कोशिश काफ़ी बार करी लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। तो आज फाइनल एक चीज़ लेके आए हैं हम, ये देखो MCL। तो इसमें मिलाया जाता है फेविटाइट, इसमें 2 ट्यूबें आती हैं, कैसे कैसे मिलाना है वो आपको बता दूंगा इसके बाद प्रोसेस में। लेकिन इन दोनों को चीज़ों को मिला के जो है फिर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कितनी ये सही हो पाती है। और देखो दर्शक हमारे आ चुके हैं साथ में, इन्होंने तोड़ी है ये सारी टॉर्च। पौधों को मिट्टी दी, बहुत सारे प्लांट लगा दिए शिवाय ने सुबह ही भाई, 1, 2, 3, 4 और कुछ ऊपर रख दिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो अभी ये वाला काम शुरू करते हैं। सारी टेप लगाने के बाद भी आपके सामने ये कि दोबारा से वहीं से ये छूट जा रही है बार बार। फर्स्ट प्रोसेस में ऐसा है दोस्तों कि MCL जो है इसके दोनों पैकेट निकाल लेंगे और इनको अच्छे से मैश कर लेंगे आपस में। MCL को अच्छे से मिलाने के बाद दोस्तों अब बारी है फेविटाइट की दोनों ट्यूबों को इसमें मिक्सअप करने की। इन सब को अच्छे से मिलाने के बाद जो है जो सॉल्यूशन बना है दोस्तों, अब इसको अप्लाई करेंगे टॉर्च के ऊपर या फिर जो जहां भी आप इसको यूज़ करना चाहते हो। इस सॉल्यूशन को अप्लाई करने के बाद जो दोस्तों अब बारी है फेविटाइट की जो ट्यूबें थी इनको अच्छे से फिर से मिक्सअप करेंगे, और जो मैंने सॉल्यूशन यहां पे अप्लाई करा था टॉर्च के ऊपर उसके ऊपर अब इससे जो है फिनिशिंग दी जाएगी। चना दो जगह से टूटी थी, वहां हमने इसको अप्लाई कर दिया है। थोड़ी शक्ल बिगड़ गई है लेकिन शक्ल से हमें काम नहीं, हमें काम है टॉर्च से। ठीक है, अगर ये काम सही करता है ना सॉल्यूशन तो भाई टॉर्च की अभी लाइफ काफ़ी है। तो अभी इसको धूप में सूखने देते हैं थोड़ी देर, जब तक धूप है फिर देखते हैं, फिर दिखाएंगे आपको रिजल्ट क्या है। भाई अभी सारा काम खत्म होने के बाद ना नाश्ता करने का टाइम है, तो नाश्ते में एक चीज़ आपको बताता हूँ। कल छोटे भाई ने ना चटनी वगैरह अचार वगैरह लिए, तो देखो ये चटनी है ना और इसके नीचे है बेल का अचार, बेल पत्र जो होते हैं, और साथ में है मैंगो का अचार, ये वाला है नींबू का अचार, और नीचे है बैम्बू का अचार जो बांस बोलते हैं हमारे यहाँ पे। अन्नपूर्णा माता की जय हो। जय हो। भोलेनाथ जी अभी जाता हूँ। भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी खाना देने के लिए, खाना देने के लिए शुक्रिया, प्रणाम करो अब खाना को, अब खाना शुरू कर दो। तो आज जो ब्रेकफास्ट में बना है ना भाई, भिंडी बनी है, भिंडी के साथ अपने अपने मतलब स्वाद अनुसार सबने अपने अपने अचार चटनियां ले रखी हैं, और साथ में चपाती। भाई सुबह से जो है शाम हो रही है, सुबह हमने सारे काम निपटाए थे, नहाए धोए, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए सो गया था भाई। लाइट तो थी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बारिश हुई नहीं,
तो मतलब उसी ठंडी हवा का एंजॉय लेते लेते मेरे को कब नींद पड़ गई पता नहीं चला। अभी मैं उठाऊँ तो कुछ दुकानदार मेरे पास आए हैं अपना सामान सेल आउट करने के लिए, तो अभी मिलवाते हैं आपको उनसे। हाँ छोटे दुकानदार, क्या बेच रहे हो? गोलगप्पे। अच्छा गोलगप्पे बेचने आए हैं, देखो ये और इसकी मम्मा। तो अभी टेस्ट करते हैं। तो भाई ये जो गोलगप्पे हैं ना, ये होममेड है, मतलब अभी ने बनाए होंगे आज। जैसा कि आपको अक्सर पता है कि मेरी वीडियो में कि वो कुछ ना कुछ जो है वो डेली बनाता है, तो यहाँ पे पानी बना हुआ है और गोलगप्पे हैं। मेरे लिए तो भाई छोटे छोटे बच्चे हैं अब इतने इतने साइज़ के, मेरे से पहले काफ़ी समेट चुके हैं ये भाई लोग। तो दोस्तों गोलगप्पे खाने के बाद जो है ना भूख इतनी ज़्यादा मिटी नहीं है, थोड़ा मतलब टेस्ट के लिए हो गए थे वो तो। और अभी शिवाय देखो कहाँ बैठा हुआ है, और लाइट भी है अभी आ चुकी है, 10-15 मिनट लग गए 5 बजे से ऊपर, लेकिन लाइट जो है टाइमली आ चुकी है। और अभी बन रही हैं सेवियाँ, तो सेवियों के लिए हमने यहाँ पर अभी मटीरियल तैयार करना शुरू किया है, घी डाला है अभी, और आधा बर्तन साफ़ कर रही है, तब तक थोड़ा बहुत हम यहाँ पर देख रहे हैं इसको, उसके बाद राधा ही बनाएगी भाई। मैं और शिवाय तो मस्ती कर रहे हैं। शिवाय क्या खा रहा है? ये क्या है? मैंने बना के लिया। वहाँ से क्या ले लिया भाई इसने? अच्छा तो ये लाया है, इसके चाचू लाए हैं भाई, कुछ डिश बनाई थी इसमें, उसमें डाला था ये प्रेपरेशन के लिए, तो इसको अब शिवाय एंजॉय कर रहा है। सब कुछ खाने के बाद जो है ना दोस्तों, अभी शाम के जो है 7 बजे का टाइम हो रहा है, और अभी जा रहे हैं हम वॉक करने के लिए। मतलब ये तो मजाक की बात है, लेकिन डेली रूटीन। हाँ घूमने के लिए बोलते हैं, वॉक करने के लिए। तो ये डेली रूटीन का काम है भाई, सुबह या शाम को मतलब एक दो चक्कर जो है ज़रूर लगाते हैं हम। और ये देखो साथ में ना अरबी का खेत है, जैसा कि मैंने अब अक्सर ब्लॉग्स में बताता हूँ, तो मतलब ये कुछ टाइम के लिए मौका होता है भाई। ऐसे ऐसे साफ पत्ते होते थे पहले, तो उनकी एक सब्ज़ी बनती है पत्रोड़े, तो वो मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। और अभी जो है ये धीरे धीरे पत्ते जो है सारे ख़राब हो रहे हैं। तो अभी जो भाई आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आजकल जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे मक्की की फसल होती है, जिसको हम बोलते हैं छल्ली, मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो वैसे एक और पौधा आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो आप रेड फूल देख रहे हो, मेरे को नहीं पता भाई ये चीज़ क्या है, लेकिन हमने जो बचपन में सुनते थे, और मतलब ऐसे हमें मतलब पता नहीं डराने के लिए बोला जाता है, क्या बोलते थे, बोलते कि सांप की छल्ली और सांप इसको खाने आते हैं, मतलब कि सांप का आहार होता है। वैसे तो हमें पता है कि सांप ऐसी चीज़ें खाते नहीं हैं, लेकिन ऐसे ऐसे बोला करते थे। अब इसको टेक्निकली बोला के जाता है वो मैं सर्च कर लूँगा, चाहे गूगल के ऊपर, या किसी को पता हो तो ज़रूर कमेंट में बताना। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर 3-4 और लगे हुए हैं, और ये अपने गौरव भाई जी का खेत है भाई। कितने बड़े बड़े पत्ते हैं, मतलब आई थिंक बंदे से हाइट में बड़े हैं भाई। बीच बीच में अभी आपको मैं दिखाता हूँ, देखो ये वाला पत्ता देखो मेरे से बड़ा भाई, ये देखो हाइट, और कितना ही बड़ा साइज़ में। ओ भाई साहब, तो मैं ना दोस्तों ये मतलब वो लगे हुए हैं, क्या बोल सकते हैं इनको, पैराफिट टाइप। तो यहाँ पे बैठने की बड़ी अच्छी जगह है, और सामने की तरफ सनसेट हो रहा है, सामने नीचे की तरफ जो है सारा इलाका दिखाई देता है। तो भाई यहाँ बैठे बैठे ना हमें 3 बच्चे मिले गाँव के, मतलब सौरभ है, अंशु और वंशु है ना, ये तीनों रेस लगा रहे थे। तो हमें बोला कि भाई हमारी रेस करवाओ, पहले हम 2-2 करके रेस कर रहे थे, तो अभी तीनों आएंगे वहाँ से दौड़ते हुए, देखते कौन विनर होता है। चलो चलो, तो इसमें है सौरभ, अंशु और साथ में वंशु। तो ये भाई तो इसमें तो बीनिंग भाई सौरभ की है, सेकंड अंशु और थर्ड वंशु है भाई। अभी जो आपने रेस देखी ना उसमें मतलब इनको सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, तो अभी दोबारा से रेस हो रही है। पहले सिंगल टाइम वाली थी, एक तरफ जाना और मतलब विनिंग हो जा रही है। अभी देखो है मतलब सामने, वो सामने ना इस घर के पास दीवार है, उसको छू के आएंगे ये, फिर यहाँ पे फिर विनर जो है वो घोषित किया जाएगा। चलो भाई चलो चलो, 1-2 चल पीछे हट पीछे, वंशु पहले अगे हो जा रहा, 1-2-3 गो। आ रहे हैं और
और भाभी ये दोनों में लड़ाई हो रही है और ये आगे जीत गया भाई सौरभ, वंशु और अंशु। अंशु थर्ड पे है भाई।